श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण महीना तो चल ही रहा है, पर इस बार हमें मिला है अधिक मास का पावन महीना। तो अधिक मास का पहला सोमवार है और गुरु जी ने अपनी कथाओं में बहुत सारे उपाय बताए और आपने बहुत सारे उपाय किए भी होंगे। पर अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, तो 3 साल बाद हमें मौका मिला है इन उपायों को करने का। तो मौका मत गवाइएगा, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला उपाय यह है विवाह के योग बनाने वाला। जी हाँ, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हो गए हो, बहुत उपायों को करके देख लिया है, फिर भी हार से गए हो, थक से गए हो, विवाह के लिए बात करने जाते हो, रिश्ता जम नहीं पाता है, लड़की की आयु बढ़ती जा रही है, लड़के की आयु बढ़ती जा रही है, तो गुरु जी ने यह उपाय बताया है। इस उपाय को करते ही मंगल विवाह के योग बन जाते हैं। देखिए क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा हरे मूंग का दाना। जी हाँ, अपनी मुट्ठी में, यानी जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, वह अपने हाथ में ले हरे मूंग का दाना, थोड़े से रख ले, और साथ में उनको लेना है 7 दुर्बा। जी हाँ, कितनी दुर्बा? 7 दुर्बा। 7 दुर्बा और हरे मूंग के दानों को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख ले। जी हाँ, रख लिया है आपने, ठीक है। रखकर आपको क्या करना है, रात्रि में, जी हाँ, रात्रि में चंद्रमा निकल जाते हैं। जी हाँ, तो चंद्रमा निकल जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर से 7 बार उतारना है, यानी घुमाना है। कैसे घुमाएंगे, ऐसे अपन ने ये मुट्ठी बांधी है, इस मुट्ठी से अपन चंद्रमा के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे अपने को 7 बार घुमाना है। और घुमाने के बाद हरे मूंग के दानों को और दुर्बा को गणेश जी के मंदिर में, जी हाँ, गणेश जी के मंदिर में समर्पित करना है। आप देखिए, जहाँ घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ गणेश जी विराजमान रहते ही है, वहाँ समर्पित कर दे। या फिर अपने ही घर में गणेश जी विराजमान है, गणेश जी की प्रतिमा रहती रहती है, तो वहाँ पर भी हम समर्पित कर सकते हैं। ये मंगल विवाह का उपाय सोमवार की शाम को, रात को आप कर सकते हो। सोमवार नहीं कर पाओ तो मंगलवार करना, पर अधिक मास के महीने में इस उपाय को मंगल विवाह की कामना के लिए अवश्य कीजिएगा। फिर देखिएगा बच्चा या बच्चों का विवाह कितनी जल्दी संपन्न होता ही होता है। दूसरा उपाय, देखिए सावन का महीना चल रहा है, साथ में अधिक मास का पावन महीना भी चल रहा है, और गुरु जी ने हर वस्तु के बारे में बताया है कि हर एक दिन कौन कौन सी वस्तु का दान करना है। पर हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, कि हम दान नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं परेशानी लोगों के साथ जुड़ी हुई रहती है, हम लोगों के साथ, कि हम रोज का एक दान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। पर सोमवार है, अधिक मास का पहला सोमवार है, और श्रावण का सोमवार है, तो श्रावण सोमवार के अधिक मास के पहले सोमवार का जो दान है, वह दान है 1 तांबे का दीपक। जी हाँ, 1 दीपक। अब उस दीपक का दान हम कैसे करें, तो सोमवार का दिन है, हम शाम के समय मंदिर जाते ही दियाबत्ती करने, एक छोटा सा दीपक इस तरीके का आप ले आइएगा, उसमें घी रखिएगा, घी रखकर आपको मंदिर में प्रज्वलित कर देना है, केवल बाबा के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। आप जिस भी कामना से महादेव के मंदिर में तांबे के दीपक में घी भरकर प्रज्वलित कर देते हो, वह मनोकामना आपकी बहुत ही जल्दी पूरी महादेव करते ही करते हैं। तीसरा उपाय, देखिए यह उपाय जो है मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, चर्म रोग की बीमारी के लिए, सफ़ेद दाग काले दाग की बीमारी के लिए, चमड़ी सफ़ेद पड़ जाती है, ठीक नहीं होती है, ये समस्या ऐसी होती है कि जो सामने दिखती है, विवाह होने में परेशानी आती है, या हम कहीं मार्केट जाते हैं, या हम कहीं रिश्तेदारों में जाते हैं तो लोग खिल्ली उड़ाते हैं, तो उनसे बचने के लिए कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तो सफ़ेद दाग, काले दाग, चर्म रोग की बीमारी हो, या हमारी कोई ऐसी मनोकामना हो जो काफ़ी समय से अटकी पड़ी हुई है और बाबा से हम बोल के भी थक चुके हो पर वह पूरी नहीं हो रही है, तो अधिक मास का पहला सोमवार है और श्रावण का 3रा सोमवार है। तो क्या करना है, हमें लेना है 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा? 7 दुर्बा। 7 दुर्बा लीजिएगा और लीजिएगा एक सुंदर सी बेलपत्री। जी हाँ, 7 दुर्बा 1 बेलपत्री, ठीक है। और यह लेकर हमें जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर, जी हाँ, शिवलिंग के ऊपर केवल समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। पर ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर समर्पित करोगे, नाम क्या लोगे? लकुलेश महादेव। क्या नाम लोगे? लकुलेश महादेव का नाम लेके समर्पित करना है।
मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए कामना करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और डंडी का भाग आप जहाँ बैठे हो आपसे विपरीत की ओर करके करना है। बहुत अच्छा उपाय अवश्य कीजिएगा। चौथा उपाय, बहुत बीमार रहते हो, बीमारियाँ ठीक नहीं हो रही है, बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ रही है, दवाइयाँ खाते हैं पर कितनी दवाई खाए, मतलब एक लिमिट होती है दवाई खाने की भी, कब तक दवाइयाँ खाएंगे, परेशान से हो गए हो दवाइयाँ खा खा के, तो यह उपाय आप कर लेना। गुरुजी ने कहा इस उपाय को करते ही आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। या फिर ऐसा है कि हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे, डॉक्टर ने कहा है कि ये बीमारी बड़ी हो सकती है, इस बीमारी में आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो कोई भी बीमारी हो डरो मत, एक बार इस उपाय को करके देखो। क्या करेंगे, आपको लेना है एक बेलपत्री और एक छोटे से पात्र में यानी कटोरी में एक प्लेट में अपने ही घर में उस बेलपत्री को रख लेना है। और कहाँ रखोगे अपने घर में, तो सबसे सुंदर जगह रसोई घर में, जहाँ पर हम पीने के बर्तन रखते हैं, परिंडा रखते हैं ना, वहाँ रखना। जब वहाँ रखोगे तब अपने पितरों का स्मरण करना कि हमारे, क्योंकि परिंडे के जो स्थान होता है जहाँ पीने के बर्तन रखते हैं ना, वहाँ पर हमारे पूर्वज का स्थान होता है, तो वहाँ वहाँ पर रखिएगा। एक घंटे रखे रहने के बाद उस बेलपत्री को उठाना और उठाकर जाना बेलपत्री के जड़ के पास, जड़ के पास जाकर जड़ में जमीन पर टच करना, स्पर्श कराना और उस बेलपत्री को उठाकर ले आना। जब लाओगे तब आपको शिवलिंग के ऊपर उस बेलपत्री को समर्पित करना है लकुलेश महादेव का नाम लेकर। क्या नाम लेंगे, लकुलेश महादेव का नाम लेकर, और फिर उसके ऊपर एक लोटा जल समर्पित करो, जल समर्पित करो और जल का आचमन कर लो। यह उपाय विशेष रोग मुक्ति के लिए, कोई भी बीमारी हो एक बार इस उपाय करके देखिएगा। पांचवा उपाय, देखिए ऐसे तो गुरुजी ने कहा था कि श्रावण सोमवार के पहले सोमवार से यानी पहले दिन से ही आपको इस उपाय को करना है, पर हम नहीं कर पाए। हो सकता हमने सुना नहीं हो उपाय, हमें पता नहीं हो, और पता भी हो तो हम सोचा बाद में कर लेंगे पर नहीं कर पाए। तो अधिक मास का सोमवार है, पहला सोमवार है अधिक मास का, इस सोमवार से शुरुआत करना है। क्या करना है, आपको लेना है दो लोटे जल, जी हाँ दो लोटे जल, एक के ऊपर एक रख के आप लेके जा सकते हैं शिवालय, या फिर एक बॉटल में पानी भर ले, वैसे भी आप लेके जा सकते हैं। और उस दोनों लोटे जल को आपको भर के लेके जाना है और ऐसा ध्यान करना है कि हे महादेव हम आपके लिए कावड़ का जल लेके आ रहे हैं, जी हाँ, और जल लेके जाइए और फिर एक साथ एक ही धारा में जल समर्पित कीजिए। कावड़ का जल कह के समर्पित कीजिए महादेव को, यानी गंगा जी और पार्वती जी दोनों है एक साथ महादेव को जल समर्पित कर रही है, कावड़ का जल समर्पित कर रहे हैं। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है, थोड़ा थोड़ा जल आपको लोटे में बचा लेना है और उस बचे हुए जल को लेकर अपने घर की ओर आना है। घर आकर उस पूरे जल का आपको पूरे घर में छिटन करना है, उस जल का आचमन नहीं करना है, जी हाँ ध्यान रखना, उस जल का आचमन नहीं करेंगे, केवल उस जल को घर में छिटन करेंगे। ऐसा करने से धन संपदा में वृद्धि होती है, घर में खुशियाँ आती है, घर में मंगल कार्य होते हैं, घर की हर परेशानी दूर हो जाती है, घर के हर वास्तु दोष सुधर जाते हैं और घर दोष भी दूर होते हैं।